हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ सिखाने नहीं बैठी हूँ। मैं जो पूरा बेबी एक सेट बनाया है, जो कि 0 से लेकर 1 साल तक बच्चे के लिए बहुत अच्छा तरीक़े से आ जाएगा, तो वो जो सेट मैंने बनाया है, इसमें मैंने बेबी के लिए ड्रेस बनाया है, यानी कि फ्रॉक स्टाइल का ड्रेस बनाया है, और मैंने शूज़ बनाया है, उसके साथ मैचिंग का कैप बनाया है, एंड उसके साथ हेयर बैंड बनाया है, और एक जो मैंने बनाया है वो रहा है हेयर टाई बनाया है। ठीक है, तो ये मैंने एक कंप्लीट सेट बनाया है बेबी के लिए। मैंने पिंक और वाइट कलर में बनाया है, आप किसी भी कलर में बना सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं यही आप लोग को दिखाऊंगी। और एक ज़रूरी बात मैं आप लोग से कहना चाहती हूँ, वो है कि अगर आपका मेरा सिखाने का तरीका आप लोगों को समझ में आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। जितना भी मैं आप लोगों को आज सामान दिखाऊंगी, सभी का लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं एंड वहाँ से देख के आप बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को ये बनाने में कोई भी दिक्कत आती हो, तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैंने क्या बनाया है ये मैं आप लोगों को आज दिखाती हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने ये एक फ्रॉक बनाया है बेबी के लिए, जो कि बहुत ही प्यारा है। इसके सामने में ये लुक आता है, और पीछे के पोर्शन में देखिए इस टाइप का है। ठीक है, तो इस टाइप का लुक आता है। तो पीछे में मैंने कोई बटन्स वगैरह नहीं लगाया है, अगर आप लोग चाहते हैं तो यहाँ बटन्स भी लगा सकते हैं। ठीक है, मैंने ऐसे ही खुला रखा है, ओपन रखा है, तो आप लोग चाहते हैं तो यहाँ बटन्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो डिजाइन देखिए, ये कुछ इस टाइप का डिजाइन है। ये डिजाइन जो है, ये बहुत ही प्यारा डिजाइन है। ये आप लोग देखने में आप लोग को हार्ड लग रहा होगा कि बहुत मेहनत है, लेकिन यकीन मानिए, मैं जिस तरीक़ा से आप लोग को सिखाई हूँ, आप लोग को ज़रूर वो बनाने में इजी लगेगा। तो एक बार आप लोग ज़रूर इसको बना के देखिए, बहुत इजी है। ठीक है, तो देखिए इस टाइप का ये डिजाइन है। इसमें मैंने इस टाइप का फ्लावर और पत्ती लगाया है, तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये भी मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। और ये जो ऊपर में देख रहे हैं, ये चोली के पोर्शन में मैंने इस तरीके का कुछ सीक्वेंस वाइज स्टोन लगाया है। ठीक है, ये मैंने ग्लू गन से चिपका दिया है, आप किसी भी तरीका का स्टोन लेके आप चिपका सकते हैं। तो इसका लुक कुछ इस प्रकार से है, बहुत प्यारा है। और इसके साथ मैचिंग का देखिए, मैंने कैप बनाया है। ठीक है, तो इस टाइप का कैप है, ये सामने का पोर्शन है, ये इस टाइप का ओपन है, यहाँ मैंने गोरी भी बनाया है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर मैंने व्हाइट कलर का फ्लावर बना के अटैच किया है। ठीक है, और दो पत्ती बनाया है, बहुत इजी है। एक बार आप लोग ज़रूर से ये ट्राई करके देखिएगा, आप लोग को बहुत पसंद आएगा। एंड आप लोग हाथ से जब बनाएंगे, तो हाथ से बना हुआ चीज़ एक अलग ही इम्पोर्टेंस रहता है उसका। तो देखिए इस टाइप का मैंने यहाँ पर एक दो करके मोती भी मैंने लगाया है, तो आप लोग भी इस टाइप का बनाइए। और यहाँ पर देखिए ये फ्लावर पे भी मैंने व्हाइट कलर का मोती लगाया है। ठीक है, तो ये मेरा कैप हो गया, और ये हो गया फ्रॉक। अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ये देखिए मैंने दो शूज़ बनाए हैं। ठीक है, तो ये शूज़ भी बहुत इजी तरीक़ा से मैंने बताने का कोशिश किया है, आप लोग को ज़रूर समझ में आएगा, एक बार जाके आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो इसके पीछे का पोर्शन में कुछ इस तरीका है, और ये मैंने इसी जो डिजाइन है, इसी डिजाइन का मैंने यहाँ पर भी ये डिजाइन दिया है। ठीक है, जैसे एंड में मैंने व्हाइट कलर का यहाँ पर बॉर्डर बनाया है, एज इट इज़ मैंने यहाँ पर भी व्हाइट कलर का बॉर्डर बनाया है। ठीक है, कैप में भी आप लोग देख सकते हैं, इस तरीका का मैंने व्हाइट कलर का बॉर्डर लगाया है। ठीक है, तो ये दो मैंने एक वन पेयर का एक सूट बनाया है, और देखिए इसी मैचिंग का मैंने हेयर बैंड भी बनाया है। तो हेयर बैंड मैंने व्हाइट कलर का बनाया है, और यहाँ पिंक कलर का फ्लावर लगाया है, और ये जो है ये पत्ती है। तो इस तरीका का मैंने ये हेयर बैंड बनाया है, और देखिए ये दो मैंने हेयर टाई बनाया है, देख रहे हैं आप लोग, ये भी बहुत प्यारा है। इसमें मैंने जो मोती लगाया है,
ये मोती है थोड़ा बड़ा मोती है, और ये वाला जो मैंने फ्लावर में मोती लगाया है ये थोड़ा छोटा मोती है, ठीक है। तो इस तरीका का मैंने यहाँ पर मोती लगा के, और ये जो व्हाइट पोर्शन आप लोग देख रहे हैं ये मैंने धागा से बनाया है, यानी कि थ्रेड से बनाया है, ठीक है। बाकी मैंने पूरा ये जो आप देख रहे हैं पूरा मैंने ऊन से बनाया है, लेकिन ये पोर्शन जो है ऊपर का ये मैंने थ्रेड से बनाया है, ठीक है। तो ये देखिए दो हेयर बैंड मैंने बना लिया है। तो आप किसी भी तरीका से हैं बेबी को पहना सकते हैं, विथ कैप भी पहना सकते हैं। अगर आपको कैप नहीं पहनाना है तो आप हेयर बैंड के साथ पहना सकते हैं या हेयर टाई के साथ पहना सकते हैं, किसी भी तरीका से पहना सकते हैं, बहुत अच्छा लुक आएगा इसमें। तो इसी से इसका सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जहाँ वहाँ पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल में अगर नए आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो आप लोग ये ज़रूर से बनाइए, किसी भी कलर से आप बना सकते हैं, लाइक आप ब्लैक और रेड कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है, इससे भी बना सकते हैं, या फिर येलो एंड रेड से भी बना सकते हैं, किसी भी कलर से आपकी किसी भी साइज का बना सकते हैं। हर साइज का मैंने वीडियो के अंत में हर साइज का मैंने बता रखा है। लाइक आप वन ईयर से ज़्यादा साल का भी मैं बेबी का बनाएंगे तो आपको कितना चेन लेना है, इस तरीके से मैंने वीडियो के अंत में का लिंक मैंने मतलब हर साइज का मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये बहुत इजी है, बहुत आसानी से बन जाएगा, और इसमें बहुत ज़्यादा ऊन नहीं लगता है क्योंकि लाइक छोटा बेबी है तो इनके लिए ज़्यादा ऊन नहीं लगता है। हम लोग का बड़ा साइज का बनाएंगे तो उसमें ज़्यादा ऊन लगेगा, ठीक है। तो ये वाला आप लोग ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा, अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट आप लोग क्या देखना चाहते हैं ये मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उसी हिसाब से आप लोग के हिसाब से मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी, ठीक है। तो अब तक के लिए विदा लेती हूँ, अगले वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ। थैंक यू सो मच।